हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ईमेल और जीमेल को जानेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में कई बार कि ईमेल और जीमेल क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आसानी से समझेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ईमेल को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जीमेल की यदि बात करें तो जीमेल की जो फुल फॉर्म होती है, जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल। तो यहां तक आप आसानी से समझे होंगे ईमेल का ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल की फुल फॉर्म गूगल मेल। यहां तक आपका अंतर क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अंतर कई बार पूछा जाता है कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पुराने जमाने की बात में अगर चलें तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे कि चिट्ठियां लिखते थे, और इस चिट्ठी को हमने किसी को भेजना है तो हम इस चिट्ठी को किसको देते थे, इस चिट्ठी को हम डाकिया को देते थे। किसको देते थे? डाक वाले को। तो यानी कि मान के चलिए कोई मेरी चिट्ठी है और इस चिट्ठी को मुझे अपने दोस्त को देनी है। ठीक है, यानी कि या किसी संस्था को देनी है, तो इस चिट्ठी को मैं किसके माध्यम से दूंगा? इस चिट्ठी पे मैं पता लिखूंगा उस बंदे का, और इस चिट्ठी को किसको दूंगा? डाकिया को दूंगा। और ये डाकिया फिर क्या करेगा कि जिस पते पे मैंने लिखा है, जो पता लिखा है, वो उसको देगा जिसका मैंने पता लिखा है। तो इस पे क्या होता, काफी टाइम लग जाता था। ठीक हो गया, काफी दिन लग जाते थे, महीने भी लग जाते थे। तो जब नया तकनीकी युग आया, टेक्नोलॉजी नई बढ़ी, तो तब क्या आया? ईमेल। ठीक है, क्या आया? ईमेल। अब ये ईमेल क्या करता है? ईमेल की एक आईडी होती है अपनी, तो उस आईडी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई चिट्ठी, मान के चलो ये चिट्ठी है मेरी और इसको मुझे भेजना है, तो जिसके माध्यम से मैं उसको भिजवाऊंगा उसको बोलते हैं जीमेल। ठीक है, यहां तक आप आसानी से समझे होंगे कि मान के चलो ये मेरी कोई आईडी है। ठीक है, ईमेल की एक आईडी होती है अपनी, तो ये मेरी मान के चलो सुरेंद्र, सुरेंद्र क्या है? ईमेल है। ठीक है, और @gmail क्या है कि एक मान के चलो एक डाकिया है, जो आपकी सूचनाओं को किसी तक पहुंचाने का काम करता है, उसको बोलते हैं जीमेल। ठीक है, तो यहां आप आसानी से समझे होंगे कि पुराने जमाने में चिट्ठी हम किसके माध्यम से देते? डाकिया के माध्यम से। और वर्तमान में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भिजवाते हैं, जीमेल के माध्यम से, और आपका पता पे वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी एक आईडी होनी चाहिए, आपकी भी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, ताकि आप जो जैसे मेरी है surinder@gmail.com, आपकी कोई आईडी होगी तो उस आईडी पे आपकी ये डॉक्यूमेंट आसानी से पहुंच सकते हैं, चुटकियों में पहुंच सकते हैं। और यहाँ जो पुराना सिस्टम था, जो ये चिट्ठी थी, वो चिट्ठी डाकिया के माध्यम से काफी समय लग जाता था, और वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आई, ईमेल आया, तो ईमेल के माध्यम से आप आसानी से सेकंडों में क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे बंदे को भिजवा सकते हैं। तो यही अंतर है ईमेल और जीमेल। जीमेल क्या है? एक वाहक है। ठीक है, एक वाहक है, एक मान के चलो कि एक डाकिया है, जो आपको आपकी जो ईमेल को पहुंचाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से समझे होंगे कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो इस प्रकार के जो बंदे हैं, कि जिनको इस प्रकार का प्रश्न की आवश्यकता है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।